आज के इस वीडियो में हम हिस्ट्री ऑफ कॉग्निटिव साइकोलॉजी के बारे में जानेंगे। इस वीडियो में हम ये समझेंगे कि क्या पहले भी लोगों को कॉग्निटिव साइकोलॉजी के बारे में पता था, पहले के लोग मेंटल प्रोसेसेस के बारे में क्या सोचते थे और पहले से लेके अब तक इस फील्ड में क्या क्या चेंजेस एंड डेवलपमेंट हुए हैं। सबसे पहले बात करते हैं इजिप्शियन के राजा समैथिकस के एक्सपेरिमेंट के बारे में, जिसका ये मानना था कि इजिप्शियन लैंग्वेज ही ह्यूमंस की ओरिजिनल लैंग्वेज है। इसे जानने के लिए उसने एक शेफर्ड को बुलाया और उसे दो न्यू बॉर्न बेबीज दिए और उसे ये कहा कि इन बच्चों को उसे कहीं आइसोलेटेड जगह पे ले जाके पालना है और उन बच्चों से उसे किसी तरह की कोई भी बात नहीं करनी है, और जब कभी भी वो बच्चे अपना पहला वर्ड बोलते हैं तो उसे तुरंत आके ये बात राजा को बतानी है। कुछ साल के बाद वो बच्चे जब थोड़ा बड़े हुए तो उन्होंने उस शेफर्ड के सामने अपना पहला वर्ड बोला बेकोस। बेकोस एक फ्रिजियन वर्ड है जिसका मतलब होता है ब्रेड। इस बात की सूचना शेफर्ड ने तुरंत आके राजा को दी और राजा ने ये कंक्लूजन निकाला कि इजिप्शियन नहीं बल्कि फ्रिजियन ह्यूमंस की ओरिजिनल लैंग्वेज है। इस एक्सपेरिमेंट को बहुत से लोग कहानी की तरह मानते हैं, पर बहुत से लोगों का ये मानना है कि इसे साइकोलॉजी में किया जाने वाला फर्स्ट एक्सपेरिमेंट कहा जा सकता है। अब जानते हैं अर्ली थिंकर्स के बारे में। तो शुरुआती दौर में लोग दो स्कूल्स ऑफ थॉट्स में बटे हुए थे, एक था नेटिविज्म एंड दूसरा था एम्पिरिसिज्म। नेटिविस्ट का ये मानना था कि नॉलेज हमारे अंदर बाय बर्थ यानी जन्म से ही प्रेजेंट होती है। उस दौर के सबसे फेमस नेटिविस्ट थे फिलोसोफर प्लेटो। प्लेटो का ये मानना था कि माइंड एंड बॉडी ये दोनों ही अलग अलग चीजें होती हैं एंड माइंड इज द सीट ऑफ ऑल द नॉलेज, और ये नॉलेज जन्म से ही हमारे अंदर प्रेजेंट होती है। इसके अपोजिट प्लेटो के स्टूडेंट एरिस्टोटल का ये मानना था कि नॉलेज बाय बर्थ हमारे अंदर प्रेजेंट नहीं होती है, उसे हम अपने लाइफ के एक्सपीरियंसेस से गेन करते हैं। इस थॉट्स को मानने वालों को ही एम्पिरिसिस्ट कहा गया। एरिस्टोटल का ये कहना था कि ह्यूमन हार्ट इज द सेंटर ऑफ इंटेलिजेंस एंड इट इज द सोर्स ऑफ हीट इन आवर बॉडी। तो हमारे ब्रेन एंड हमारे लंग्स का काम होता है हमारे हार्ट को कूल रखना। अब जानते हैं रेनेसेंस पीरियड के बारे में। 14th टू 17th सेंचुरी के पीरियड को ही रेनेसेंस पीरियड कहा जाता है। रेनेसेंस पीरियड के आते आते लोगों को ये समझ में आ चुका था कि सेंटर ऑफ नॉलेज हमारा ब्रेन होता है। इस दौर में दो कॉन्सेप्ट पॉपुलर हुए, एक था मुंडस सेंसिबिलिस एंड दूसरा था मुंडस इंटेलेक्चुअलिस। मुंडस सेंसिबिलिस का मतलब होता है वो नॉलेज जिसे हमें हमारे फिजिकल सेंसेस जैसे कि आईज, टंग, स्किन, ईयर एंड नोज इससे मिलती है। वही मुंडस इंटेलेक्चुअलिस का मतलब होता है कि जब हम किसी चीज के डीपर मीनिंग को समझते हैं, उसके स्पिरिचुअल नेचर को समझते हैं, या वो नॉलेज जो हमें ईश्वरीय शक्तियों से प्राप्त होती है। फॉर एग्जाम्पल, जब हमारे सामने आग जल रही होती है तो हम उसके फ्लेम्स को देखते हैं, उसके हीट को फील करते हैं, तो ये जो नॉलेज हमें हमारे सेंसरी ऑर्गन से मिलती है इसे ही मुंडस सेंसिबिलिस कहते हैं। अब जब हम इसके डीपर मीनिंग को समझने की कोशिश करते हैं, ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये यूनिवर्स में क्यों एग्जिस्ट करता है, इसका स्पिरिचुअल नेचर क्या है, तो इस तरह के नॉलेज को ही मुंडस इंटेलेक्चुअलिस कहा जाता है। रेनेसेंस पीरियड के बाद चार ब्रिटिश एम्पिरिसिस्ट फिलोसोफर जॉर्ज बर्कली, डेविड ह्यूम, जेम्स मिल एंड जॉन स्टुअर्ट मिल ने मेंटल रिप्रेजेंटेशन के थ्री टाइप्स बताए। पहला है डायरेक्ट सेंसरी इवेंट्स। मान लीजिए आप अपने किसी रिलेटिव के यहाँ चाय पीने गए तो आपको आपके सेंसरी ऑर्गन से डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन मिलती है कि चाय का टेस्ट कैसा है, उसकी स्मेल कैसी है। अब ये इन्फॉर्मेशन आपकी मेमोरी में एक धुंधली इमेज की तरह स्टोर हो जाती है, जिसे ही कहा जाता है फेंट कॉपीज ऑफ परसेप्ट। अब जब आप अपने घर जाके अपने घर की चाय पीते हैं तो आपको आपके रिलेटिव के यहाँ पी हुई चाय याद आती है, आपको ये याद आता है कि उसका टेस्ट कैसा था, उससे एसोसिएटेड आपके इमोशंस कैसे थे, आप खुश हुए थे, आपको अच्छा नहीं लगा था। तो इसे ही कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फेंट कॉपीज इन एसोसिएटेड थॉट। 19th सेंचुरी से पहले तक साइकोलॉजी को फिलोसॉफी का ही एक पार्ट माना जाता था, पर 19th सेंचुरी के आने पे साइकोलॉजी फिलोसॉफी से अलग होकर एक अलग डिसिप्लिन बन गया। इसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन था प्रोफेसर विलहेम वुंड का, जिन्होंने जर्मनी के यूनिवर्सिटी ऑफ लाइप्सिक में फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी की लैब बनाई। वो पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने अपने आप को एज अ साइकोलॉजिस्ट बुलाया। 19th सेंचुरी में ही आए प्रोफेसर एडवर्ड टिचनर, जो विलहेम वुंड के ही स्टूडेंट थे। इन्होंने थियोरी ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म बनाई मेंटल प्रोसेसेस को समझने के लिए। उनका ये कहना था कि मेंटल प्रोसेसेस उसके अलग अलग पार्ट से मिलकर बनते हैं, तो अगर हम उन पार्ट्स को ब्रेक डाउन करके उसकी अलग अलग स्टडी करते हैं तो हम मेंटल प्रोसेसेस को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब हम ऑरेंज के बारे में सोच रहे हैं तो हमारे दिमाग में उसका ऑरेंज कलर, उसका राउंड शेप, उसका स्वीट एंड सिट्रसी फ्लेवर आता है, उसका सेंस ऑफ जूसीनेस आता है। तो इस तरह से जब हम ऑरेंज के अलग अलग स्ट्रक्चर्स को कंबाइन करके ऑरेंज का एक मेंटल इमेज बनाते हैं तो उसे ही थियोरी ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म कहा जाता है। स्ट्रक्चरलिज्म के कुछ लिमिटेशंस थे, फॉर एग्जांपल उसमें अनकॉन्शियस प्रोसेसेस जैसे कि इमोशंस एंड मोटिवेशंस को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया गया था। साथ ही उसमें यह भी नहीं बताया गया था कि
किस तरह से अलग अलग एलिमेंट्स कंबाइन होके हमारे लिए एक मीनिंग बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कोई बुक पढ़ रहे हैं तो किस तरह से सिर्फ ब्लैक लाइन्स और उनके शेप्स को देख के हम उसके मीनिंग को समझ पाते हैं। इसी समय आई थियोरी ऑफ फंक्शनलिज्म, जिसके फाउंडर थे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर विलियम जेम्स। प्रोफेसर विलियम जेम्स ने एक बहुत ही फेमस बुक लिखी जिसका नाम था प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी। इन्होंने ही अमेरिका की फर्स्ट साइकोलॉजिकल लेबोरेटरी भी बनाई। फंक्शनलिस्ट ये समझना चाहते थे कि मेंटल प्रोसेसेस क्या होते हैं और वो क्यों होते हैं और वो किस तरह से हमें हमारे एनवायरनमेंट में सर्वाइव करने में हमारी हेल्प करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, स्मेल का हमारे लाइफ में क्या रोल होता है? तो अगर हमारे पास स्मेल करने की पावर नहीं होगी तो हम खराब और अच्छी चीजों में फर्क नहीं समझ पाएंगे और इसका सीधा असर हमारी हेल्थ पे होगा। तो फंक्शनलिस्ट जो थे वो ब्रेन के फंक्शंस को समझना चाहते थे, ना कि उसके स्ट्रक्चर्स को। 20th सेंचुरी में थियरी आई जेस्टाल्ट साइकोलॉजी, जिसमें ये बताया गया कि सम इज ग्रेटर देन इट्स पार्ट्स, यानी कि किसी भी चीज के अलग अलग पार्ट्स को समझकर हम ये नहीं समझ सकते कि वो चीज एज अ होल कैसी है। ये थियरी स्ट्रक्चरलिज्म थियरी की बिल्कुल ही अपोजिट थी। इसमें ये कहा गया कि कॉग्निटिव प्रोसेसेस एज अ होल उसके अलग अलग पार्ट से डिफरेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको एक मूवी दिखाई जाए और इस मूवी में आपको उसका स्क्रिप्ट, उसका साउंड, उसके म्यूजिक, उसके सीन्स, ये सब अलग अलग दिखाए जाएं, तो क्या आप उस मूवी को समझ पाएंगे? आंसर है नहीं। यानी कि अलग अलग पार्ट्स के मिलने के बाद एक मूवी का कंबाइंड एक्सपीरियंस कुछ अलग ही होता है। 20th सेंचुरी में एक सबसे फेमस थियरी आई थियरी ऑफ बिहेवियरिज्म की। उनका ये कहना था कि जिस चीज को हम देख नहीं सकते उसे समझ कैसे सकते हैं। तो मेंटल प्रोसेसेस एंड कॉन्शियसनेस को हम देख नहीं सकते तो उन्हें पढ़ने की कोई जरूरत नहीं। उसके बदले में हम लोगों के बिहेवियर को देख सकते हैं, उसे ऑब्जर्व कर सकते हैं, तो क्यों ना हम उसे ही पढ़ के साइकोलॉजी को समझें। बिहेवियरिज्म में ये कहा गया कि लर्निंग इज द प्रोसेस ऑफ स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे फेवरेट फूड के स्मेल से हमारे मुंह में लार टपकने लगती है तो फूड का स्मेल इज द स्टिमुलस एंड लार टपकना इज द रिस्पॉन्स। कॉग्निटिव रेवोल्यूशन शुरू होने के जस्ट कुछ साल पहले 1932 में प्रोफेसर एडवर्ड टोलमैन ने एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया, जिसमें उन्होंने एक कॉम्प्लेक्स मेज में कुछ चूहे रखे। इन चूहों को उन्होंने तीन ग्रुप्स में डिवाइड किया। पहला ग्रुप था जिसको मेज कंप्लीट करने पे तुरंत फूड दिया गया। सेकेंड ग्रुप को शुरू के 10 दिनों में कुछ भी नहीं दिया गया, पर 10 दिन के बाद 11th डे पे उन्हें भी फूड दिया जाने लगा। एंड थर्ड ग्रुप को कोई भी रिवॉर्ड नहीं दिया गया। इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने ये पाया कि ग्रुप वन के जो रैट्स थे, जिन्हें शुरू से ही खाना दिया गया, उन्होंने तो मेज के रास्तों को तुरंत ही समझ लिया। लेकिन ग्रुप टू के जो रैट्स थे, जिन्हें देख के ऐसे लग रहा था कि वो बस मेज में यहाँ से वहाँ एमलेसली घूम रहे हैं और कोई लर्निंग नहीं हो रही है, उन्हें जैसे ही खाना दिया गया उन्होंने भी मेज के रास्तों को सीखने में एक सडन इम्प्रूवमेंट दिखाया। प्रोफेसर टोलमैन ने इससे ये कंक्लूजन निकाला कि ग्रुप टू के जो रैट्स थे, जिन्हें देखकर ये लग रहा था कि वो बस एमलेसली घूम रहे हैं, वो एक्चुअली में मेज के रास्तों का अपने दिमाग में एक मैप बनाते जा रहे थे। इसे ही उन्होंने कॉग्निटिव मैप नाम दिया। इसी कॉग्निटिव मैप की मदद से जब उन्हें फूड इंट्रोड्यूस किया गया तो उन्हें मेज के रास्तों को समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। इस लर्निंग को ही उन्होंने लेटेंट लर्निंग का नाम दिया। लेटेंट लर्निंग का मतलब होता है वो लर्निंग जो हमारे दिमाग में छुपी हुई हो और हम उसे तब यूज करते हैं जब हमें उसकी जरूरत पड़ती है। प्रोफेसर टोलमैन की थियोरी ने बिहेवियरिज्म की थियोरी को डायरेक्ट चैलेंज किया। उनका ये कहना था कि बिहेवियर सिर्फ स्टिमुलस रिस्पॉन्स या रीइंफोर्समेंट का एक पैटर्न नहीं होता है। अपने एक्सपेरिमेंट की मदद से उन्होंने ये साबित किया कि कॉग्निटिव प्रोसेसेस को पढ़ा जा सकता है और इस तरह से कॉग्निटिव साइकोलॉजी के डेवलपमेंट की शुरुआत हुई। 1932 में ही आए सर फ्रेडरिक बार्लेट, जिन्होंने स्कीमा थियोरी बनाई। स्कीमा इज लाइक अ मेंटल ब्लूप्रिंट, जिसकी मदद से हम अपने दिमाग में किसी भी चीज का एक मेंटल इमेज बनाते हैं और उसकी हेल्प से हम अपने आसपास की चीजों को समझने में हमें मदद मिलती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके दिमाग में लाइब्रेरी का स्कीमा बना हुआ है तो जब भी लाइब्रेरी की बात होगी तो आपके दिमाग में लाइब्रेरी के लेआउट से रिलेटेड इमेजेस आएंगे, जैसे कि लाइब्रेरी की बिल्डिंग, शेल्फ्स में रखे हुए बुक्स, लाइब्रेरियन, टेबल एंड चेयर एटसेट्रा। अब जानते हैं मॉडर्न डे कॉग्निटिव साइकोलॉजी के बारे में। तो बिहेवियरिज्म के पॉपुलैरिटी के बाद लोगों ने मेंटल प्रोसेसेस को पढ़ना बंद कर दिया था, लेकिन 1950 में आए कॉग्निटिव रेवोल्यूशन के बाद लोगों का ध्यान वापस से मेंटल प्रोसेसेस, जैसे कि अटेंशन, लर्निंग, मेमोरी, थिंकिंग, इन सब की तरफ वापस जाने लगा। कॉग्निटिव रेवोल्यूशन आने के बहुत से वजह थे, जिसमें से एक था फेलियर ऑफ बिहेवियरिज्म, जिसमें कॉग्निटिव प्रोसेसेस एंड मेंटल प्रोसेसेस को पूरी तरह से नेग्लेक्ट कर दिया गया था। साथ ही बिहेवियरिज्म लैंग्वेज एक्विजिशन कैसे होता है इसे भी एक्सप्लेन करने में फेल हो चुका था। कॉग्निटिव रेवोल्यूशन के आने के और भी बहुत से रीजन है, जैसे कि एमर्जेंस ऑफ कम्युनिकेशन थियरी, जिसमें कम्युनिकेशन प्रोसेसेस को एक्सप्लोर किया गया। इसमें यह समझा गया कि किस तरह से इंफॉर्मेशन एक पर्सन से दूसरे पर्सन को ट्रांसमिट होती है।
नेक्स्ट आता है मॉडर्न लिंग्विस्टिक्स, जिसमें लैंग्वेज प्रोसेसेस को एक्सप्लोर किया जाता है। उसके बाद आता है मेमोरी रिसर्च, जिसमें मेमोरी के इनकोडिंग, स्टोरिंग, इंटरप्रिटेशन के प्रोसेसेस को एक्सप्लोर किया जाता है। साथ ही कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से कॉग्निटिव प्रोसेसेस को समझना काफी ईजी हो गया। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।